ओके सनी का सवाल है, कैजुअल एटीट्यूड को दूर कैसे करना है? ठीक है, काफ़ी बच्चों को लगता है कि, एंड इनफैक्ट आजकल लिखते भी हैं, पता नहीं ये फैशन हो गया है कि क्या है, वीकनेस में लिखते हैं कैजुअल एटीट्यूड या प्रोकास्टिनेशन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे फाइंड आउट सच ए हैवी वर्ड्स, बट ये आपका कोई वीकनेस नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं वीकनेस में लिखूँ, मैं बोलूँ कि ये है और मैं इस पर काम करूँ, एंड इसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा प्रैक्टिस का जरूरत नहीं है, ये माइंड में सेट करना कि भाई मेरे, और उसका सबसे बड़ा रीजन विच आई टोल्ड अर्लियर आल्सो, लैक ऑफ प्लानिंग होता है। व्हेन सम टाइम वी से ना हमारा कैजुअल एटीट्यूड है, हम चीज़ों को भूल जाते हैं या हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते द वे वी आर प्लान, क्योंकि आपकी प्लानिंग सही नहीं है। सबसे पहला उसके लिए अपनी एक प्लानिंग बना के रखनी है, एंड अभी जो भी हो जाए मेरे को प्लान फोकस करना है। प्लानिंग ऐसे जनरिक नहीं होता कि कल से मैं डेली जिम जाऊँगा सुबह 4 बजे उठ के, ना ये कोई प्लानिंग नहीं है, या मैं कल से बॉडी बना लूंगा। पहले आप ये बताओ, आपको अगर सपोज आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है, से यू वांट टू गो टू जिम एंड नाउ बिकॉज यू आस्क दिस क्वेश्चन यू ऑलरेडी फिजिकली मतलब इनटू जिमिंग एंड ऑल, यू नो जिम इज नॉट समथिंग लाइक आप बस गए, कोई भी जनता जा रही है और 4 डंबल ऐसे उठाया इधर देखा है ना, तुम्हारा बॉडी बन गया और तुम आ गए। प्रॉपर रूटीन इज टू बी देयर। व्हेन यू से रूटीन एंड टाइमिंग, इट इज जस्ट नॉट गोइंग टू जिम एंड कमिंग बैक, इट नॉट जस्ट टाइमिंग, यू नो विच मसल यू वॉन्ट टू वर्क अपॉन, राइट? हर मसल्स के लिए अलग साइज है, आपको वीकली अलग प्लान बनाना पड़ेगा, इस दिन मैं ये करूँगा, कब मैं कार्डियो करूँगा, है ना, किस दिन मेरे को थाइस करना है या मेरे को आज चेस्ट करना है, बैक करना है, बाइसेप्स करना है, ट्राइसेप्स करना है, उसमें सबका अलग अलग है, किसी का क्या वीकनेस है, किसी का क्या स्ट्रेंथ है, देयर सम मसल्स आर वीक, आई हैव टू वर्क अपॉन दोज मसल्स, राइट? सो अगर किसी को सही एक तो गाइडेंस मिले, आई मीन एक ऐसा जिम है जहाँ पे ओपन है, जो मन चाहे वहाँ पे कर लो, एक तो ये हो गया, एक है कि समबडी इज देयर टू टेल यू इस चीज़ को ऐसे करना है, आई मीन यू वांट टू डू दिस एक्सरसाइज, बिकॉज सेम एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उसके अगर पोस्चर गलत हो गया तो आपको बैक एक हो सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे है, जब आप तैयारी करते हो ना, अगर थोड़ा गलत हो गया ना, इट मे लीड टू यू नो इट विल हार्म यू मोर अदर देन यू नो हेल्प यू आउट। जैसे आप कुछ गलत अगर आप डेली प्रैक्टिस करो, गलत कर लो, वो तो गलत में आप मास्टर हो जाओगे, तो वो नहीं करना है। एक तो सही चीज़ में चलना है और अपना प्लान सही बना, बिना प्लान के कुछ नहीं हो सकता। अगर सपोज जिम में कोच भी है सब कुछ, लेकिन प्लान कुछ नहीं है, आप जब आओगे कुछ भी करा देगा वापस चले जाओगे, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। वन इज कंसिस्टेंसी, एंड फॉर इट कंसिस्टेंसी यू शुड हैव प्लान, एंड ट्रस्ट मी अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, एंड हम ऐसे बोलते हैं कि 21 डेज एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि अगर आप 21 दिन तक कोई भी चीज़ लगातार करो तो वो आपका रूटीन में आ जाता है, वो हैबिट बन जाता है, लाइक बॉडी क्लॉक, अगर कोई आप 21 दिन तक रोज 4 बजे सुबह उठ रहे हो तो आपको शायद उसके बाद अलार्म, कुछ लोगों को 1 वीक बाद हो जाता है, कुछ को 2 वीक के बाद, बट एक कोई भी बेकार भी है ना उसको भी बादशी वजह से अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी उठने के लिए, ऑटो में उठ जाएगा, और इस सारे के सारे आपकी जो कैजुअलनेस है अपना आप ही दूर हो जाएगी। तो कैजुअलनेस इज नॉट ए वीकनेस, ये हमारे लैक ऑफ प्लानिंग है, हमारे लैक ऑफ मेंटल कैलिबर आप बोल सकते हो कि यार मैं बस ऐसे बैठा हूँ क्या कर रहा हूँ। पहले प्लान तो करो, पहले एम तो बनाओ, दिस इज माई एम, आई मीन व्हेन वी कैरी आउट विदाउट लाइक एक्सरसाइज ऑल्सो, कोई भी एक्सरसाइज करो, जब तक आपका एम क्लियर नहीं है, जब तक आपके उस एम के बाद आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आते हैं कि इसको करने के लिए मेरा प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज माय वीकनेस, एंड देन मेरे रिसोर्सेज क्या है, इट्स काइंड ऑफ ए जीपी भी आप बोल सकते हैं, जैसे जीपी प्लान करते हैं ना कि रिसोर्सेज क्या है मेरे पास, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, राइट, और प्रायोरिटी क्या, और मेरा एम क्या है। जब ये सारी चीज़ क्लियर है ना, तो ऑटोमेटिकली देन यू मेक ए गुड प्लान। प्लान भी बिना प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नहीं बन सकता, इट कैन नॉट बी मेड विदाउट योर रिसोर्सेज, विदाउट योर एम एंड विजन। जब ये ध्यान में आएगा, आप प्लान करोगे, you'll be able to give 100%, and then there'll be no casualness, and you'll find the changes in yourself and see yourself, I mean aaj aap ye decide karo, aaj start